फवाद जाहिद 97 कह रहे हैं कि भाई एनी प्लान फॉर सेकंड मैरिज। भाई कल आपके भाई ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई कि मुझसे जो भी सवाल पूछना है पूछो, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे दिलचस्प किस्म के सवाल किए, और सवाल मुझसे किए हैं तो उनका जवाब कौन देगा? मैं दूंगा पार्टी, मैं आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई ये वाली वीडियो होने वाली है Q&A। इससे पहले हम ये Q&A वाली वीडियो शुरू करें, मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए एक सवाल है और उसका रिप्लाई आपको करना ही करना है, चाहे आप लोग कमेंट्स करते हैं वीडियोज़ के नीचे या नहीं करते, लेकिन आज आप लोगों को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि मेरी आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर, सलमान इमदाद की आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर क्या वैल्यू है। ठीक है, कि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, या आप मुझे एक एज अ यूट्यूबर देखते हैं, एक व्लॉगर देखते हैं, या एज अ कंपेटिटर देखते हैं, या कुछ भी, जो भी है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी जो फैमिली है यूट्यूब की या फेसबुक की वो बढ़े। आ जाए एम अहमद कहते हैं अल जदीद कब री ओपन होगा? अरे पगले, ओपन है अल जदीद, जाइए खाइए इंजॉय कीजिए। इसी बात पर अल जदीद का एड देखिए। जाहिद अहमद कहते हैं वाई माई लाइफ इज़ सो हेक्टिक हेल्प। भाई ये आपकी ज़िंदगी है, आपको ही अपनी लाइफ हेक्टिक से नॉर्मल की तरफ लेके आनी पड़ेगी, मैं इस बारे में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, सीधी बात। तलहा इमरान 1122 कहते हैं सलमान भाई पाकिस्तान कब आएंगे? यार ये सवाल मैं अपने आप से ख़ुद भी पूछता हूँ कि मैं पाकिस्तान कब जाऊँगा। मेरा बड़ा दिल है पाकिस्तान जाने का, बट ये जो ट्रैवलिंग के जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी नॉर्मल हो जाएं, फिर इंशाल्लाह ताला उसके बाद ज़रूर आपका भाई पाकिस्तान आएगा। और वैसे नॉर्मली ये होता है कि जब सऊदीया से पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ से सवाल पूछा जाता है कि भाई सऊदीया वापस कब आएँगे, जब सऊदी आ जाएँ तो पूछा जाता है कि भाई पाकिस्तान वापस कब आएँगे, ये नॉर्मल है। प्रिंस सुल्तान 007 कह रहे हैं एनी प्लान्स टू गो मदीना ड्यूरिंग ईद? मे बी, दिल तो बड़ा है लेकिन मदीना आप अपने प्लान से नहीं जाते, मदीना जब वहाँ से बुलावा आता है ना मदीना वाली सरकार से, तब जाते हैं। बिंद जिद्दा 2007 कह रही हैं कि भाई अलमराई की बॉटल कितने की हो गई है? कौन सी वाली, छोटे वाले ही या बड़ी वाली? मेरे ख्याल से छोटी वाली 1 रियाल की है, बड़ी वाली 7 या 8 रियाल की है, और उससे बड़ी वाली जो होती है वो 11 या 12 रियाल की, आई थिंक, नॉट श्योर। रियान इलियास कहते हैं कि अगले 5 साल में आप अपने आप को कैसा देखते हैं? अगले 5 साल में अपने आप को मैं हेल्दी, फिट और एक सक्सेसफुल इंसान देखता हूँ इंशाल्लाह रहमान। XAXEditX कहते हैं हाउ मेनी ईयर्स यू स्पेंड इन सऊदी अरेबिया एंड व्हेन आर यू कमिंग टू रियाद? भाई मैं बचपन से यहीं पे ही हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ, मैं सऊदीया के अंदर ही पैदा हुआ हूँ, मक्का में पैदा हुआ हूँ, और तब से लेके ये अब तक यहाँ पे हूँ, और जितनी मेरी एज है उतने अरसे से मैं सऊदीया में हूँ। अब ये मत पूछना कि एज कितनी है। अबू बकर सरफराज कह रहे हैं भाई अलबेक फुल मेन्यू चैलेंज करें। भाई अलबेक जो होता है ना, जो छोटा वाला होता है, उसके अंदर 4 बोटियाँ होती हैं, मेरे जैसा बंदा 2 बोटियाँ खा के ना बिल्कुल ओके हो जाता है, उससे ज़्यादा मेरे से नहीं खाई जाती। तो आप तो फिर अलबेक पूरे मेन्यू के चैलेंज की बात कर रहे हो, सब चीज़ों में से भी एक एक मैंने अगर लुकमा लिया ना तब भी पूरा हो जाऊँगा मैं तो। रियली सॉरी भाई, ये खाने वाने के चैलेंज अपने से नहीं हो पाएंगे, सीधी बात। फार आतिफ फॉर एवर कहते हैं आपके कितने बच्चे हैं सलमान भाई? स्टे हैप्पी, अल्लाह सेहत दे, आमीन। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मेरे बच्चे नहीं हैं और लोगों की गुजारिश है। मुस्तफ़ा पीरान कह रहे हैं व्हेन आर यू कमिंग टू इस्लामाबाद पाकिस्तान? इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है मेरे लिए जो मुझे दिल से पसंद है, मतलब मुझे इस्लामाबाद याद आता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत अच्छे लम्हे इस्लामाबाद के अंदर गुजारे हैं बैक इन 2006, जब मैं वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट कर रहा था जर्मनी जा के पढ़ने के लिए। ना सर्टिफिकेट हुआ ना मैं जर्मनी गया पढ़ने के लिए, लेकिन उसके हॉस्टल की और बहुत सारी यादें जो मैं लेके आया, भाई की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी की थी, एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी, यहाँ पे आई कार्ड आ रहा होगा, जाके आप वो स्टोरी सुन भी सकते हैं कि किस तरीके से हॉस्टल में आपका भाई बचा था गार्ड की गोलियों से। रयान आलम कहते हैं हाउ डिड यू स्टार्ट व्लॉगिंग? यार व्लॉगिंग बस केजी भैया को देखते थे, उनको देख के ये फील हुआ कि यार ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो बस स्टार्ट की, और स्टार्ट करके अभी तक मुझे तो ये लगता है कि मैं अभी तक सीख ही रहा हूँ, मैं कहीं पहुँचा नहीं हूँ अभी तक, मुझे तो यही लगता है कि मैं अभी तक सीख ही रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एकदम से खुलती हैं कि अरे वाह ये भी होता है। इट्स सदफ लखो कहती हैं जैसे आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते थे अब क्यों नहीं बनाते जैसे मस्जिद नबी के बारे में? सदफ सीन ये था कि वो मस्जिद नबी के बारे में जो वीडियोज़ बनाई थी और मक्का मुकर्रमा के बारे में जो वीडियोज़ बनाई थी, वो मेरा एक शो था रमज़ान विद सलमान के नाम से, जो डेडिकेटेड था रमज़ान के लिए, इस वजह से उसके अंदर वो वाली वीडियोज़ बनाई थी। अब इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर जब मदीना मुनव्वरा जाना होगा तो वहाँ पे उस टच की वीडियोस इंशाल्लाह आप लोगों को देखने को मिलेंगी, लेकिन व्लॉग्स जो हैं वो इसी तरह से रहेंगे। बासित शेख कह रहे हैं आप ट्राइपॉड कौन सा यूज़ करते हो? तो बासित शेख मैंने इसके ऊपर पूरा व्लॉग बनाया, 4-5-6
वीडियोस पीछे जाओ तो इसके अंदर बोया का, अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बोया का ट्राईपॉड है, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा। शाहजीम कह रहे हैं कि भाई कभी स्कूल से बैंक किया है? शायद मेरे ख्याल से इनका बंक करने का मतलब है कि स्कूल से टुल्ला मारा है। हाँ मारा है, मारा है, अम्मा भी वीडियोस देखती हैं लेकिन मारा है टुल्ला। फरिया के व्लॉग्स कह रही हैं कि खाला कब बना रहे बाजी, ये तुम पूछ रही हो। नुसरत 156 कहती हैं कि हार्ड वर्क एंड आइडियाज़, हेड्स ऑफ, आंटी नुसरत फ्रॉम कराची। थैंक यू सो मच आंटी, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, शादबाद रखे। आप लोगों की दुआएं हैं जो ये हार्ड वर्क करने के लिए या स्मार्ट वर्क करने के लिए एक मोटिवेशन और पावर देती हैं। थैंक यू सो मच। सबा सईद 17 ने बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का सवाल पूछा और कह रही हैं कि आप अपने पहले बेटे या बेटी का नाम क्या रखेंगे? भाई बेटे का तो मैंने आज तक नहीं सोचा, बट बेटी का नाम हमेशा मैंने सोचा हुआ है कि मैं किसवा रखूँगा इंशाल्लाह। वर्दा खान 001 कह रही हैं अल जदीद का व्लॉग कब आएगा? बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्द, और ज़बरदस्त किस्म का होगा इंशाल्लाह। निमरा मुस्तफ़ा कहती हैं कि व्हेन यू स्टार्ट व्लॉगिंग ऑन यूट्यूब एयर? मैंने 2015 से व्लॉग्स अपलोड करना शुरू कर दिए थे, व्लॉग्स नहीं, वो पता ही नहीं था मैं क्या अपलोड कर रहा हूँ। स्नैपचैट पे स्टोरीज बनाई, डाउनलोड की, अपलोड कर दी, इस तरह के फजूल चीज़ें मैं अपलोड करता था। वो अभी भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई, आप जाके देख सकते हैं मोस्ट ओल्ड वाली वीडियोज़ में। बट प्रॉपर व्लॉगिंग जो होती है वो मैंने 2018 से स्टार्ट की थी, एंड इट टुक मी 3 ईयर्स टू कम्प्लीट 1000 सब्सक्राइबर। ब्लॉग्स बाय मीमी कहती हैं, सलमान भाई मुझे तो आपके कैमरे पर स्मॉल लगा माइक अच्छा लगता है, ये कहाँ से लिया? ये माइक रोड का है, RODE अगर आप लिखेंगी तो इसका नाम है रोड वीडियो माइक्रो, ठीक है? ये रोड का सबसे छोटा माइक है, और इसके ऊपर ये जो डेड कैट लगी हुई है, इसको मैं मरी हुई बिल्ली कहता हूँ, ये हवा के लिए होती है कि जब ये हवा चल रही होती है तो इसमें आपको डिस्टॉर्शन नहीं होती, और ये आप फ़ोन में भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर आप ये माइक लेने जाएँ तो उसके साथ फ़ोन के साथ जो केबल यूज़ होती है, SC7 नाम है आई थिंक उसका, वो ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ जो केबल आती है वो कैमराज के साथ सही चलती है, फ़ोन में सही नहीं चलती, क्योंकि आई थिंक आपको फ़ोन में यूज़ करना है। अबीर हसन कह रहे हैं कि भाई यूट्यूब कोर्स बनाओ, वी वांट टू लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच अबीर कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझसे कुछ लर्न करना चाहती हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी रिक्वेस्ट आई है इस बारे में, तो और लोग भी ये चाहते होंगे। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसा चाहते हैं कि मैं इस पर यूट्यूब पर पूरा एक कोर्स बनाऊँ जिससे आप लोग कोई हेल्प लेके अपना चैनल बना सकते हैं, वो कर सकते हैं। मैं स्टिल अभी लर्निंग स्टेज पर ही हूँ जैसा मैंने पहले बोला, बट अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग मुझसे सीख सकते हैं तो वाई नॉट, इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनाऊंगा। मोहम्मद हुजैफा कह रहे हैं, आपकी वाइफ आपसे घर के काम कराती हैं या आप चुप करके खुद ही कर लेते हैं? भाई देखो रुलाएगा क्या पगले। यार वैसे घर के काम करना ना सुन्नत होता है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी जोजा महतरमा के साथ घर के कामों में हाथ बटाते थे, तो वही चीज़ सोच के और वही चीज़ को समझ के और जहन में रख के मैं अपनी बेगम का काम में, घर के कामों में हाथ बटाता हूँ, और इसके अंदर कोई शर्म की बात नहीं है। और हाँ ज़बरदस्ती हो जाती है उसमें कभी कभार। सादिया बरियार कहती हैं, योर एजुकेशन, मैंने MBA किया है, पहले BBA किया मार्केटिंग में, फिर MBA किया जनरल, मैंने अपना वो रखा था उसके अंदर मेजर, और अल्हम्दुलिल्लाह MBA हूँ आपका भाई MBA। एम सरफराज कह रहे हैं कि कराची कब आ रहे हैं? आऊँगा इंशाल्लाह ताला, बहुत दिल करता है कराची आने का। कराची के स्पेशल वो जो बाइक राइड्स होती थी ना अन्नू मामा के साथ, शदीद मिस करता हूँ। और कराची के खाने, ओए भूख लग रही है मुझे अभी भी जहानों की। एक मक्खी कुत्ता पना कर रही है ये लेंस के सामने, क्या करूँ। इट्सा इस्माइल खान कहते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन्जाइटी, कैन यू एक्सप्लेन एन्जाइटी इन योर ओन वर्ड्स? यार मेरे हिसाब से एन्जाइटी होती है ओवर थिंकिंग, मेरे ख्याल से, कि जब जो चीज़ नहीं हुई होती तो आपका ये ख्याल होता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। जितना हम लोग सोच के और ओवर थिंकिंग करके अपने ऊपर टेंशन सवार कर रहे होते हैं, आई थिंक वो एन्जाइटी होती है। एक्टिविस्ट निदा कहती हैं, इतने टाइम से देखती हूँ, हाउ यू मेंटेन योर पॉजिटिविटी? निदा ऐसी बात नहीं है कि मुझे नेगेटिविटी फील नहीं होती या मैं नेगेटिव नहीं होता किसी चीज़ को लेके, होता हूँ बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ों को, बट वो फीलिंग मैं अपने तक रखता हूँ और उसको ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। अगर उसका देखो बहुत बड़ी वजह यह है कि मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा या आप लोगों को नेगेटिव फेस दिखाऊँगा अपना या नेगेटिविटी आप लोगों को ला के दूँगा तो आप लोग भी नेगेटिव होंगे। इस वजह से मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ कि मैं हर मामले में चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो खुश रहूं और पॉजिटिव रहूं। परेशानियां हर एक के साथ लगी हुई, वो मेरे भाई मिसाल देते हैं कि किशमिश के पीछे तीली लगी हुई होती है। अली मिनाटी अंडरस्कोर हेयर कहते हैं, यार ये फ़्लाइट्स कब खुल रही हैं?
एक वीडियो अपलोड की थी मैंने इससे पहले, ज़रा जाके देखना ये फ्लाइट्स कब खुल रही है। उसके अंदर मैंने बड़ा भरपूर जवाब दिया कि ये फ्लाइट्स खुल कब रही। रैंडम क्रिएशन बॉस कहते हैं, इतनी मोटिवेशन कैसे लाते हो आप? YouTube पे वीडियोज़ अपलोड करनी एंड ऑल, प्लीज़ बताएं। इतनी मोटिवेशन आप लोगों के लिए आती है कि आप लोग वेट करते हो वीडियोज़ का, हर चीज़ का, इस वजह से मोटिवेशन आती है कि यार आप लोग वेट कर रहे हो। इतनी बड़ी फैमिली हो चुकी है माशाल्लाह, तो सब वेट करते हैं। अब्दुल्ला शाह कहते हैं, लेट्स स्टार्ट बिजनेस ऑन योर नेम, मोस्ट वेलकम। कौन सा बिजनेस है, प्रपोजल भेजो, बिस्मिल्लाह करते हैं। सब्ज़ मामी कहती हैं, ज़िंदगी में किस चीज़ की ख्वाहिश कोई कमी रह गई हो? अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने सोच से और ज़रूरत से बढ़ के दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं और उसका मफहूम यह है कि अगर आप शुक्र अदा करते रहोगे तो मैं उसको ज़्यादा करता रहूँगा, बढ़ाता रहूँगा तुम्हारे लिए। तो वही है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, अल्लाह ताला आपकी नेमतें बढ़ाते रहेंगे और आपके लिए रास्ते ऐसी जगहों से खुलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब ऐसे होता है लिटरली। अनकरीब इंशाल्लाह मैं आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करूंगा जो मेरे साथ अभी पिछले दिनों में हो रही है चीज़, कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए कैसे कहाँ से कौन से रास्ते खोले, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थे। फवाद जाहिद 97 कह रहे हैं कि भाई, एनी प्लान फॉर सेकेंड मैरिज? भाई मेरा तो प्लान नहीं है, आप अपनी बाजी की शादी कहीं और कर सकते हैं। एहसान शेख कहते हैं, सलमान अंकल आपको सऊदी सिटीजनशिप मिली है? नहीं एहसान, मुझे सऊदी सिटीजनशिप नहीं मिली है। आई एम प्योर पाकिस्तानी बाय पासपोर्ट, बाय लुक, बाय हुक, बाय कुक, बाय फादर, हर तरीके से। हाँ खलास, खलास तू? और? शगाल कैमरा? शगाल है वा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन हज़रात और पार्टियों, ये थे आप लोगों के ज़बरदस्त किस्म के सवालात। अगर आपके जहन में मेरे से रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको फेंक सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अक्सर स्टोरी लगाता हूँ कि आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, और ये सारे सवाल जिसके मैंने भी जवाब दिया ये भी सारे इंस्टाग्राम पर आए थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हो तो आपको पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और अगर यहाँ तक देखा है और लाइक नहीं किया है तो क्यों, ऐसा क्यों किया है आपने? लाइक करें उसके बाद जाइएगा, ठीक है? हाँ।